हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। सलमान खान की रेस 3 की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिल्म को बड़े पर्दे पर 3D में देखने के लिए एक्साइटमेंट डबल है। फिल्म तो हिट होगी ही, पर इसी बीच ऐसा क्या हुआ कि दबंग सलमान खान रेस 3 के प्रमोशन पर भड़क गए। दरअसल सलमान खान को फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद पैसा मांगने वालों पर गुस्सा आया है। जब फिल्म हो जाती है फ्लॉप तो डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा नुकसान की भरपाई के लिए मांगने लगते हैं, और सलमान ने साफ कर दिया है कि पैसा वापस मांगने वालों के साथ वो काम नहीं करेंगे। दरअसल पिछले साल सलमान खान की ट्यूबलाइट रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई। तब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनसे पैसे मांगे। तब सलमान ने भी फिल्म से हुए नुकसान का 50% अमाउंट लौटा दिया था। लेकिन अब सलमान किसी भी पचड़े में नहीं पड़ने वाले हैं। इसके अलावा सलमान ने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर भड़ास निकालते हुए ये भी कहा कि 15 फिल्में हिट हुई और एक फ्लॉप हो गई तो लोग पैसा वापस मांगने आ जाते हैं। साथ ही सलमान ने यह भी कहा कि रेस 3 हिट होगी और इसके हिट होने पर उन्हें पूरा भरोसा है। वेला, आप सलमान के इस एंग्री मैन वाले अवतार पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे साथ अपने व्यू शेयर करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।